नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं मित्रों उस शख्स के बारे में जिसने 40 साल की उम्र में 42 युद्ध लड़े और कभी भी हारा नहीं। पराजय जो रहा उस योद्धा उस पराक्रमी सूरवीर के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखें मित्रों, जिससे आपको एक शानदार जानकारी हासिल हो सके। तो जानते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20 वर्ष में पेशवाई के सूत्र संभाले हों, 40 वर्ष तक के कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हों और सभी जीते, यानी सदा अपराजय रहे हों, जिसके एक युद्ध को अमेरिका जैसा राष्ट्र अपने सैनिकों को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहा हो, ऐसे परम वीर को आप क्या कहेंगे? आप उसे नाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका उससे कभी परिचय ही नहीं हुआ। सन 18 अगस्त 1700 में जन्मे उस महान पराक्रमी पेशवा का नाम है बाजीराव पेशवा। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। ऐसा कहते हुए भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े। धरती के महानतम योद्धाओं में से एक अद्वितीय अपराजय और अनुपम योद्धा थे बाजीराव भल्लाल। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना जिसे पूरा कर दिखाया तो सिर्फ बाजीराव भल्लाल भट्ट जी ने। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर माथा तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने के सपने को पूरा किया था पेशवा बाजीराव प्रथम ने। इतिहास में सुमार अहम घटनाओं में एक यह भी है कि 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके बिना थके। ये अहम है मित्रों, 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, यानी रुके नहीं बिल्कुल भी, ना थके। देश के इतिहास में ये अब तक दो आक्रमण ही सबसे तेज माने गए। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव दिल्ली चढ़ आए थे, आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है वहां बाजीराव ने डेरा डाल दिया। 19-20 साल के उस युवा ने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक समेट दिया था। 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा, मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। यहां तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि उसके लोगों ने बताया कि जान से मार दिए गए तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। बहर लाल किले के अंदर ही किसी अति गुप्त तहखाने में छिप गए बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव भल्लाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मात्र 40 वर्ष की आयु में 42 बड़े युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। अपराजय अद्वितीय बाजीराव बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की कला में निपुण थे, जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए आधी रात मदद करने को भी सदैव तैयार रहते थे। पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। आप लोग कभी वाराणसी जाएंगे तो उनके नाम का एक घाट पाएंगे जो खुद बाजीराव ने सन 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक मूर्ति पाएंगे। कच्छ में जाएंगे तो उनका बनाया आईना महल वहां पर आपको देखने को मिलेगा। पुना में मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा पाएंगे। अगर बाजीराव भल्लाल लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो ना तो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसे पश्चिमी ताकतें भारत पर राज कर पाते। 28 अप्रैल सन 1740 को उस पराक्रमी अपराजय योद्धा ने मध्य प्रदेश में सनावद के पास रावेरखेड़ी में प्राणोत्सर्ग किया, यानी अपनी जान गंवा दी। इस प्रकार के योद्धा को सत सत नमन है मित्रों। आप सभी ने अगर ये घटनाएं पहले सुन रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो आज आपने उस बाजीराव भल्लाल के बारे में जरूर सुन लिया होगा।
ये जानकारी आपको जरा सी भी पसंद आए मित्रों, तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।